नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न सितार में। दोस्तों मेरा नाम है अनुराग बंसल। दोस्तों आज हम आपको सिखाने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर और फेमस गाना। एक बहुत बड़े हीरो सुशांत सिंह राजपूत, जो हमारे बीच आज नहीं रहे, उन्हीं का एक गाना है खैरियत पूछो, जो कि छिछोरे फिल्म का गाना है। वो आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही सुंदर गाना है, बहुत ही रूहानियत वाला गाना है दोस्तों। इस वीडियो को दोस्तों आप अंत तक देखिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं। वीडियोस को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको भी दोस्तों दबा दीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का जो लेसन है हमारा, खैरियत पूछो। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बजा कर सुनाता हूँ कि कैसा है खैरियत पूछो गाना। दोस्तों इस प्रकार गाना है खैरियत पूछो। दोस्तों इस गाने में जो गा है वो कॉमन लगता है, जो नी है वो भी कॉमन लगता है, लेकिन जो दोस्तों धा है इसमें कोमल और शुद्ध दोनों धा यूज करते हैं हम। तो अब देखते हैं हम इस गाने को कैसे बजा सकते हैं। सबसे पहले देखिए फर्स्ट लाइन की, तो कैसे बजेगा दोस्तों, जो नी है दोस्तों वो कोमल है इसमें, तो सा कोमल नी सा कोमल गा रे। दोस्तों जो नी है और गा है वो पूरे गाने में कोमल लगते हैं, सिर्फ एक जगह नी शुद्ध भी लगता है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा कहाँ लगता है, लेकिन जो गा है दोस्तों वो कोमल ही लगेगा हर जगह। तो अभी देखिए, तो ये लाइन थी सा कोमल नी सा कोमल गा रे। फिर रे गा सा नी सा, रे गा सा नी सा, ठीक है। तो इतना आएगा, इसमें भी नी होगा कोमल है, तो सुर से कैसा बजेगा देखिए दोस्तों, सा नी सा गा रे, रे गा सा नी सा गा रे। ये हो गया हमारा दोस्तों फर्स्ट लाइन का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए फिर इसके बाद, फिर गा रे सा नी धा, जो धा है यहाँ दोस्तों वो शुद्ध लग रहा है अभी, बाकी नी और गा कोमली है। तो गा रे सा नी धा नी, तो गा रे सा नी धा, देखिए तो गा रे सा नी धा नी, गा रे सा नी धा नी, ठीक है, गा रे सा नी धा नी, ठीक है। इसके बाद गा रे सा नी धा नी धानी गा रे, तो धानी धानी दो बार आएगा दोस्तों, ठीक है ना। देखिए कैसे, गा रे सा नी धानी धानी गा रे, फिर नी धा धा। यहां दोस्तों जो धा आएगा वो कोमल धा आएगा, तो कैसे बजेगा, धा धा नी धा पा, नी कोमल ही है, धा धा नी धा पा। तो दोस्तों एक बार शुरू से देखिए इस पूरी लाइन को, ध्यान से देखिए, सा नी सा गा रे, फिर रे गा सा नी सा गा रे, फिर गा रे सा नी धा नी धा नी गा रे, कोमल धा आएगा यहाँ पर, धा धा नी धा पा, धा धा नी धा पा, धा धा नी धा पा। तो दोस्तों ये फर्स्ट लाइन हो गई। दोस्तों ये लाइन जो है दोबारा रिपीट होगी, तो कैसे बजेगी दोस्तों, फर्स्ट लाइन बजेगी दोबारा से रिपीट होगी, क्या बनेगा,
रहे हो सो ये सारे गामा गा को मैं लग गया दोस्तों उसमें भी सारे गामा गा पामा दोबारा देखिए सारे गामा गा पामा फिर नी सारे गा नी जो है कोमल है नी सारे गा भी कोमल है नी सारे गा रे मा गा क्या नी सारे गा रे रे मा गा फिर नी सारे धा और नी दोनों कोमल है नी सारे सा गा रे जो गा है वो भी कोमल है ठीक है तो धा नी सारे सा गा रे सा सा रे सा नी जो ये नी है दोस्तों वो शुद्ध नी है तो पूरे गाने में दोस्तों सिर्फ इसी जगह शुद्ध नी का यूज करेंगे तो कैसे बजेगा सा सा रे सा नी दोबारा लिखिएगा शुरू से सा रे गा मा गा पा मा नी सा रे गा रे मा गा नी सा रे सा गा रे सा सा नी सा सा रे सा नी दोस्तों अब देखते हैं इसकी तीसरी लाइन तो क्या हो जाएगा दोस्तों नी धा सा नी तो दोस्तों यहाँ जो धा है वो शुद्ध धा है तो इसका आपको ध्यान रखना है तो नी कोमल है लेकिन नी धा सा नी नी धा सा नी फिर कोमल धा 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 नी धा पा क्या है धा धा कोमल नी धा पा तो दोस्तों इसमें आपको कोमल धा और शुद्ध धा का ध्यान रखना है दोबारा देखिए नी शुद्ध धा सा नी कोमल धा 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 नी धा पा फिर गा रे सा नी सा नी सा तो वो रिपीट होगा दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों ये गाना खैरियत पूछो बजेगा बहुत इजी गाना है दोस्तों उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए आपकी कोई भी क्वेरी या आपका कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों और आपको अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों आप और आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आप दोस्तों आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए तो दोस्तों आपसे मिलते हैं ऐसे ही एक अन्य वीडियो में बहुत जल्द तो धन्यवाद।